टू टेक्निक क्लासेस, चैप्टर थ्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज पहले मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मेटल ऑक्साइड बना देता है ऑक्साइड तीन तरह के होते हैं ऑक्साइड पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इनके बारे में आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है हायर क्लासेज में आपको इनके बारे में बताया जाएगा सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स को कैरोसिन में डालकर स्टोर किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं मेटल ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है तो एल्कलाई बनाता है एल्कलाई बोलते हैं बेसिस और पानी को मिक्सचर को जिसमें बेसिस पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जा गया हो यहाँ पर ध्यान दें कि मेटल ऑक्साइड पानी में घुलते घुलते नहीं हैं और कुछ मेटल ऑक्साइड ही एल्कलाइज बनाते हैं मेटल वैसे तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं मतलब कि ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करता है लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक जैसे मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड का वो ऑक्साइड हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों ही शो करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर मेटल पानी के साथ मिलकर मेटल हाइड्रो और हाइड्रोजन गैस बनाता है मेटल अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रो बनाता है लेकिन पानी की जगह पर स्टीम यानी कि भाप हो तो ऑक्साइड बनता बनता है पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है आपको ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर ले कर जाते हैं जो मेटल लेस रिएक्टिव हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और उनको हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर ध्यान दें कि एल्यूमिनियम नॉर्मल कंडीशन में पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर आ जाती है और एल्यूमिनियम को पानी के कॉन्टैक्ट में आने से रोकती है आयरन जब स्टीम के कॉन्टैक्ट में आता है तो ऑक्साइड बनाता है और इस ऑक्साइड को रस्ट बोलते हैं और नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो इसको हम जंग बोलते हैं जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे हैं वो पानी या स्टीम दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लीज़ उसको देखें एंड उसको समझें तभी केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आएंगी रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर मेटल सॉल्ट बनाता है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताएगी रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ सो प्लीज़ रिएक्टिविटी सीरीज का वीडियो जरूर देखें हाइड्रोजन गैस उसमें सबसे ज़्यादा निकलती है जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर वाले मेटल्स में रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सोल्यूशन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को अपने सॉल्ट में से हटाकर उसकी जगह ले लेता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा सॉल्ट भी उसी मेटल का बनता है और कम रिएक्टिव मेटल में सॉल्ट में से बाहर निकाल दिया जाता है चलिए अब नज़र डालते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन नॉन मेटल्स एसिडिक और न्यूट्रल दोनों ही प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड पानी में घुलकर एसिड बनाता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर नॉन मेटल पानी या भाप किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है पानी के हाइड्रोजन आयन को देने के लिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड नॉन मेटल्स एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि रीजन सेम है इलेक्ट्रॉन की कमी हाइड्रोजन आयन को देने के लिए इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से रिएक्ट नहीं करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सोल्यूशन इसमें मेटल्स वाली प्रॉपर्टी ही चलती है यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कम रिएक्टिव नॉन मेटल को हटाकर अपना सॉल्ट बनाता है स्क्रीन पर आपको रिएक्शन दिख रही है जिसमें सी एल को डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि सी ज़्यादा रिएक्टिव होता है बी से प्लीज़ रिएक्टिविटी सीरीज को समझें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है एंड थैंक यू गाइज ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और